इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनाव में चंदे के तौर पर राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले राशि पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के बाद से सभी राजनीतिक दलों ने बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को सीलबंद लिफाफे में करके इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है। ऐसे में सवाल नीतीश कुमार के लीडरशिप वाली जनता दल यूनाइटेड पर भी उठी, जिसमें जेडीयू ने चुनाव आयोग से कहा कि साल 2019 में उनकी पार्टी के ऑफिस में किसी अनजान व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड वाला एक लिफाफा दिया था। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को रविवार यानी 17 मार्च को सार्वजनिक कर दिया। इस दौरान कुछ ऐसे खुलासे किए गए जो कि हैरान करने वाले हैं। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी की फाइलिंग से पता चला कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड में कुल 24 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। इन खुलासे के दौरान सबसे दिलचस्प बिहार के पार्टी की फाइलिंग थी। जेडीयू ने बताया कि 3 अप्रैल 2019 को उन्हें पार्टी के पटना ऑफिस में दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर के किसी भी डिटेल की जानकारी नहीं है और न ही हमने पता लगाने की ज्यादा कोशिश की है, क्योंकि उस समय में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह का कोई भी आदेश जारी नहीं किया था। पार्टी ने बताया कि किसी व्यक्ति ने हमारे पटना ऑफिस में साल 2019 को एक सीलबंद लिफाफा दिया और वहां से चला गया। इस लिफाफे को खोलने के बाद इसमें से कई इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। लिफाफे में 1 करोड़ रुपए के 10 बॉन्ड थे, जिसके बाद से उन्होंने भारत सरकार की गजट अधिसूचना के अनुसार पटना के SBI की मेन ब्रांच में अकाउंट खुलवाकर उसमें उस बॉन्ड को जमा कर दिया, जिसे 10 अप्रैल को पार्टी के खाते में जमा कर दिया गया। जनता दल ने कहा कि हम उस डोनर के बारे में ज्यादा जानकारी देने में असमर्थ हैं। इलेक्शन कमीशन में किए गए अन्य फाइलिंग के दौरान 1 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए के बॉन्ड के लिए दानदाताओं के रूप में भारतीय एयरटेल और श्री सीमेंट के नामों का भी खुलासा किया। अपने अन्य फाइलिंग में जेडीयू ने बताया कि उन्हें हैदराबाद, कोलकाता और पटना के SBI शाखाओं से जो भी बॉन्ड मिले उसकी राशि लगभग 24 करोड़ से ज्यादा थी। इन खुलासों में समाजवादी पार्टी ने भी 10 करोड़ से ज्यादा राशि के बॉन्ड की जानकारी दी है, जिसमें पार्टी ने कहा कि 10 बॉन्ड डाक के माध्यम से मिले थे, जिसमें कुल मिलाकर 10.84 करोड़ रुपए थे। इन बॉन्ड पर किसी का भी नाम नहीं दिया गया था। अब ये समझ लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को कितना चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसका मूल्य 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का था। इसे देश का कोई भी नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। साल में 4 बार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ये बॉन्ड 10-10 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं। इन्हें खरीदने वाले की पूरी जानकारी KYC स्टेट बैंक के पास होती है, लेकिन बैंक इनकी पहचान गोपनीय रखता है। बॉन्ड खरीदने वाले को टैक्स में रिबेट भी दी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उन्हीं राजनीतिक दलों को दिया जाता है जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले। डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के भीतर बॉन्ड पाने वाली पार्टी इसे चुनाव आयोग से वेरिफाइड बैंक अकाउंट में से कैश करवा लेता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा रूलिंग पार्टी BJP को चंदा मिला है। बीते 6 सालों में BJP को 6,337 करोड़ की फंडिंग मिली, जबकि कांग्रेस को महज 1,108 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। अब समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इतिहास क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें असंवैधानिक क्यों ठहराया। 2017-18 के चुनावी बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार इसे नोटिफाई करती है। सरकार का तर्क था कि इसे राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी आएगी, साथ ही ब्लैक मनी पर भी लगाम लगेगी। जबकि इसका विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, जिसके चलते ये बॉन्ड्स चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। 2017 में इन बॉन्ड्स की वैधानिकता को चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्देश दिया था कि वो 30 मई 2019 तक एक लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को दे। हालांकि तब इन पर रोक नहीं लगाई गई थी। दिसंबर 2019 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है। इस आवेदन में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाने की मांग की जाती है। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई करती है, तारीख बदलती है, साल बीतते हैं। बहरहाल 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस में
फैसला सुरक्षित रख लेता है। 15 फरवरी 2024 को 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का आदेश दिया था। साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया था कि वो 13 मार्च तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वाले सभी लोगों की जानकारी अपने वेबसाइट पर पब्लिश करे। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को दान देने वालों की जानकारी गोपनीय रखने जाने की अपील ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। मतदाता को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के दौरान सही फैसला लेने में मदद मिलती है। इस फैसले पर एसबीआई ने 4 मार्च को दोबारा शीर्ष अदालत में याचिका लगाते हुए जानकारी देने के लिए 30 जून 2024 तक की मोहलत मांगी थी। एसबीआई की अपील पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने भी याचिका लगाई थी, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चलाने की मांग की गई थी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ।